नमस्कार आप सभी का मैं आपकी दोस्त मोना शर्मा गुप्ता आज के कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। फिर ले आई हूँ आपके लिए अकबर बीरबल का एक किस्सा। इनके किस्से बेशक मनोरंजक, शिक्षाप्रद व ज्ञानवर्धक हैं, जो न केवल हमें गुदगुदाते हैं पर जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखा जाते हैं। हमारी आज की कहानी में बीरबल वह करते हैं जो कि अन्य ना कर पाए। कार्य अति कठिन या असंभव ना था, केवल धैर्य व शांत बुद्धि से सोचने का परिणाम था। आइए मजा लें इस कहानी का, जिसका शीर्षक है जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारो। बादशाह अकबर के दरबारियों को अक्सर ये शिकायत रहती थी कि बादशाह हमेशा बीरबल को ही बुद्धिमान बताते थे, औरों को नहीं। एक दिन बादशाह ने अपने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और दो हाथ लंबी दो हाथ चौड़ी चद्दर देते हुए कहा, इस चद्दर से तुम लोग मुझे सिर से लेकर पैर तक ढक दो तो मैं तुम्हें बुद्धिमान मान लूंगा। सभी दरबारियों ने कोशिश की, किंतु उस चद्दर से बादशाह को पूरी तरह से ढक ही नहीं पाए। सिर छिपाते तो पैर निकल आते, पैर छिपाते तो सिर बाहर आ जाता चद्दर से। आड़ा तिरछा लंबा चौड़ा हर तरह से सभी ने कोशिश की, किंतु सफल ना हो सके। अब बादशाह ने बीरबल को बुलाया और वही चद्दर देते हुए उन्हें ढकने को कहा। जब बादशाह लेटे तो बीरबल ने बादशाह के फैले हुए पैरों को सिकोड़ लेने को कहा। बादशाह ने पैर सिकोड़े और बीरबल ने सिर से लेकर पैर तक उसी चद्दर से उन्हें ढक दिया। अन्य दरबारी आश्चर्य से बीरबल की ओर देख रहे थे। तब बीरबल ने कहा, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। तो कैसी लगी ये कहानी? बहुत ही मजेदार थी ना? मिनटों में असंभव को संभव कर डाला। इसका ये तात्पर्य है कि चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो। कार्य करने की इच्छा, लगन होनी चाहिए। शीतल बुद्धि का उपयोग करें तो हर कार्य हो सकता है। और इस कहानी की सीख का क्या कहना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं मोना शर्मा गुप्ता आपसे आज्ञा चाहती हूँ, जल्द फिर मुलाकात होगी। तो याद रखिए, जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारो।